अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, क्या हमारे नबी ने इस तरह दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है या किसी सहाबी ने इस तरह का दरूद पढ़ा है? जो मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया बरेलवियत से, इस तरह का दरूद हमारे नबी ने ना पढ़ा है और ना पढ़ने का हुक्म दिया है। तो पैगंबर इस्लाम ने क्या तालीम दी थी? ये बतलाया था कि पढ़ो अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या बला। अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद हमारे नबी ने बतलाया था। और ये दरूद मेडियन कराची है या मेडियन बरेली है, ये कौन सा दरूद? सबसे पहले ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कभी भी उस बात का हुक्म नहीं देंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के खिलाफ हो। तो सहाबा किराम हरगिज इस तरह का फैल ना करेंगे ना करने का हुक्म देंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताया हो। मिसाल के तौर पे इमाम बैहकी फरमाते हैं कि हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा का ये तरीका था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात शरीफ के बाद जब हाजिरी देते तो इस तरह फरमाते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और सैयदना इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैहि ने किताबुल अज़कार में ये भी फरमाया कि बाज़ उलमा ने इस तरह फरमाया अस्सलामु अलैका या सैयदल मुरसलीन, ए नबियों के सरदार, ए रसूलों के सरदार और ए मखलूक में सबसे बेहतर। फिर शेख उसैमीन जिनकी तालीमात को ये आम करते हैं, जिनके फतावों को ये शाया करते हैं, उनसे भी जब सवाल हुआ कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इस तरह के अल्फाज से सलाम पेश कर सकते हैं, तो शेख उसैमीन ने कहा कि हाँ अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये भी कह सकते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये भी कह सकते हैं और फला हरज फी ज़ालिक, इसमें कोई हरज नहीं है। ये शेख उसैमीन ने भी कहा है। अच्छा फिर ये कैसे हदीस के खिलाफ हो सकता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमा दिया कि जुमा के दिन ज्यादा दरूद पाक मुझ पर पढ़ा करो? जब सहाबा ने इस तरह सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपके दुनिया से पर्दा करने के बाद भी आपको दरूद पाक पहुंचाया जाएगा, तो हुजूर ने जो फरमाया वो तो वाज़े है कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, अंबिया किराम हयात हैं और उन्हें रोजी भी दी जाती है। इब्ने माजा शरीफ की यह हदीस है। लेकिन बताना मकसूद ये है कि हुजूर ने फरमाया मुझ पर दरूद पढ़ो, तो अब दरूद क्या है? अस्सलात। और हुजूर ने फरमाया मुझ पर सलाम पढ़ो, और ये भी कुरान के हुक्म से है या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह ने किनको हुक्म दिया? मोमिनीन को कि मेरे हबीब पर दरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम पढ़ो। और हुजूर ने फरमाया मुझ पर पढ़ो, तो जब हुजूर ने फरमाया मुझ पर पढ़ो तो हम इस खिताब से अगर कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी सलात दरूद का भी जिक्र, सलाम का भी जिक्र, तो कुरान की इस आयत पर भी अमल हुआ और हदीस पाक पर भी अमल हुआ। अगर कोई ये कहता है कि ये गलत है, सिर्फ दरूद इब्राहिम पढ़ने का हुक्म है, तो इसका मतलब ना उन्होंने हदीस पढ़ी है, ना सहाबा किराम का तरीका उन्होंने पढ़ा है, ना हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा का जो तरीका था उस पर नजर इनकी गई है, और ना ही हाफिज इब्ने कसीर की इस रिवायत पर जिसको इब्ने तैमिया ने भी लिखा और मौजू नहीं कहा। हाफिज इब्ने कसीर ने भी इसको मौजू नहीं कहा। क्या लिखते हैं कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद रोजे अनवर के पास आकर ये कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो हुजूर अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट खिताब करना ये अहादीस से साबित है, तफासिर से साबित है। और क्यों ना हो, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने आम मुसलमानों की बारगाह में भी उनके कब्रों के पास से गुजरते वक्त सलाम करने का जो तरीका बताया वो अस्सलामु अलैकुम है, डायरेक्ट खिताब है,
तो आम मुसलमानों को इस तरह जब सलाम किया जा सकता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम को इस तरह सलाम करने पर यह कहना कि बरेलवियों का तरीका है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बात साबित कर दी कि बरेलवियों का ये जो तरीका है वो हदीस पाक की रोशनी में है और सहाबा किराम का तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।